दोस्तों स्वागत है। रात को एक खबर इसलिए करनी पड़ेगी, एक मामला अभी कुछ घंटे पहले दिल्ली में हुआ 30,000 कोर्ट में, जहां पर एक वकील के साथ पुलिस की झड़प हुई। पुलिस ने उसे लॉकअप में बंद किया, उसे पीटा, उसके बाद उसके साथी वहां पहुंचे, पुलिस की उनके साथ भी झड़प हुई, तो उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस वालों को पीटा। फिर ये मामला इतना तूल पकड़ा कि वहां पर और बहुत सारी पुलिस आ गई, जो 30,000 कोर्ट में पहुँच कर, वीडियो में आप देख सकते हैं साइड में चल रही है, जो वकील जहाँ दिख रहा है उसको पीट रही है। ये वीडियो वहाँ पर हमारे कुछ साथियों ने, उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बनाकर हमें भेजा है। तो इसके बाद ये हुआ, वहाँ पर पुलिस के द्वारा गोली चलाए जाने की घटना सामने आई है, जिसमें 3-4 लोगों को गोली लगी है और कुछ लोगों के बहुत सारी चोटें भी आई हैं। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह मैनी हैं, ये पूरे मामले की हमें जानकारी देंगे कि हुआ क्या है। जो वीडियो आ रही है, फुटेज आ रही है, जिनको गोली लगी अब वो डिस्प्ले पर देख सकते हैं, साइड में चल रही हैं। सर बताइए पूरी घटना हुई क्या थी? देखिए इसमें झड़प का मामला नहीं है, इसके अंदर क्या है कि जेल वैन में पुलिस लेकर आती है कैदियों को, और वो गेट और एडवोकेट्स की एंट्री के गेट हर तरफ से ओपन है। उस दौरान हमारे वकील भाई वहाँ पे खड़े थे, तो वहाँ पे जो पुलिसकर्मी उसमें आया, उस पुलिसकर्मी ने हमारे वकील भाई के साथ पहले करा मिसबिहेव। जब उस बात पे वकील भाई ने ऑब्जेक्शन करा, तो उन्हें जबरदस्ती लॉकअप में लेके गए, उनके साथ पिटाई करी गई। वो कम्युनिकेट ना कर पाए, बच ना पाए, इसलिए उसने ग्रुप में पकड़ कर करा गया। जब ये बात आमने आई, बाहर आई, तो बाकी वकील भाई लगभग 4-4.5 के आसपास, वो लोगों ने देखा कि इनको अंदर करके गया, ही इज एन एडवोकेट, तो ऐसा इलीगल डिटेंशन, अगर आपको कोई भी उसके रिगार्डिंग आपके मन में है या किसी पुलिस वाले को है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है, रिटर्न में कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन इस तरह अगर पुलिस ही अपने हाथ में कानून लेगी, तो दैट इज़ नॉट फेयर। और उसमें भी उसके अगेंस्ट, उस वकीलों के अगेंस्ट जो सबको इंसाफ दिलाते हैं उस कोर्ट के अंदर, इंसाफ के मंदिर के अंदर इंसाफ दिलाते हैं, जब उस चीज़ का ऑब्जेक्शन करा गया और उन्हें लाया गया, तो उन पुलिस वालों ने हमारे वकील भाइयों के साथ मारपीट करी उसी लॉकअप के वहाँ पर। अच्छा। जब उन्हें वहाँ रोका गया कि आप इसकी सफाई दीजिए, आपने क्यों पीटा, आपने क्यों मारा, या क्या उसके अंदर आपने क्या करा, आपको कुछ ऐसा ग्रीवेंस था, आप कंप्लेंट करते, आप अपने सीनियर ऑफिशियल्स के पास जाते, आप डीजे साहब के पास जाते, जो भी है आप उसका रिटर्न में कंप्लेंट करते, जो भी उसका वो लेते, लेकिन इस तरह कानून को हाथ में आपने क्यों लिया। तो इस बात को गुस्सा उन्होंने ओवर कर वहाँ पे ओवर फोर्स बुलाई, ओवर फोर्स बुलाने के बाद जब हमारे वकील भाइयों का कौन है उस जगह के एसएचओ वगैरह जो जी, वो 30,000 के जो एसएचओ साहब हैं, 30,000 जो 30,000 के अंदर ही पुलिस चौकी होती है। अच्छा। हर कोर्ट के अंदर होती है पुलिस चौकी, ठीक है, वो पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन जो है वो उस लोकल एरिया के एसएचओ के पास आती है। अच्छा। लेकिन ये जो वाकया है ये कोर्ट के अंदर हुआ है, तो ये जो कोर्ट के अंदर का वाकया हुआ है उसमें जो पुलिस चौकी कोर्ट के अंदर की है वहां की पुलिस थी, वहाँ की पुलिस इन्वॉल्व होती है, और जो पुलिस उस जेल वैन के साथ जो आई थी कैदियों को लेकर, वहाँ के जो उनको लेकर आए थे वो वाले पुलिस ऑफिशियल्स के साथ इनकी ये हुई, तो वो लॉकअप के अंदर मुजरिम को लेके जाएंगे, ना कि किसी वकील को जबरदस्ती घसीट कर खींच कर, और वो वकील है, ही इज एज अ जुडिशियल ऑफिसर, तो वो वहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ बैठा है। आप उनके साथ जबरदस्ती घसीट के उन्हें अंदर लेके गए, पीटा गया, उसके बाद जब ऑब्जेक्शन किया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इसके लिए दीजिए जवाबदारी, तो उसके बाद और ग्रुप्स में पुलिस को बुलाया गया, और पुलिस में बुलाकर जब उन्होंने देखा कि वकील की तादाद, क्योंकि ये कोर्ट प्रमिसेज है, वहाँ वकील ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए या उस चीज़ को ओवर पावर करने के लिए वकीलों को उन्होंने एविडेंट क्वान्टिटी में पुलिस बुलाई, उनके साथ मारपीट करी गई। सर मारपीट तक ठीक था, गोली कैसे चला दी उन्होंने जी? मतलब जब उन्होंने देखा कि वकील क्रिमिनल होते हैं क्या जी, उन्होंने जब देखा कि इतने वकील हैं, और उन्होंने अपना जो कंडक्ट जो उनका था, जो मिसबिहेव उन्होंने किया था, जो गलती उनसे हो गई थी, उसकी माफ़ी मांगने की बजाय, अपोलोजाइज करने की बजाय, उस चीज़ को छुपाने के लिए, उस चीज़ वकीलों को दबाने के लिए, जो कि आज तक कहीं पर भी दुनिया में नहीं हो पाया कि वकील जो लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं कोर्ट में उन्हें दबाया जा सके, और ना ही ये फ्यूचर में कभी हो पाएगा कि वकील दबेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जस्टिस जो है वो किल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, क्योंकि इंसाफ जो मिलता है हम सबको पता है कोर्ट में आके मिलता है, लास्ट जो हमारी होप बचती है वो कोर्ट की बचती है, भगवान की अदालत से पहले कोर्ट की बचती है, और उसके अंदर अगर ऐसा होने लग गया तो लोगों का जो एक विश्वास है जस्टिस से वो ही उठ जाएगा। दूसरी बात, उस सिचुएशन को और पार करने के लिए उन्होंने, उनको जो भी मुझे नहीं पता कि उन्हें जो ऑर्डर था वो ओरल दिया गया, रिटर्न दिया गया, लेकिन 4 राउंड जो है वहाँ पे चले हैं। एक हमारे वकील भाई हैं, उनकी छाती में गोली लगी है, एक के कान पे और एक के पैर में और एक के हाथ में,
तो ये 4 राउंड चले, जिसमें जो हमारे वकील भाई जिनकी छाती में वो लगी है, इज मच मोर सीरियस। अभी उनका सेंट स्टीफन से उन्हें इसमें भी रेफर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं बराबर में उनकी फोटो, कैसी हालत उनकी है। और जैसे ही ये मामला ने तूल पकड़ा, जैसे ही ये बात और कोर्ट्स में गई, जैसे कि हमारे बाकी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं दिल्ली के अंदर, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, तो सभी बार्स ने लगभग अपने अपने लेवल पे प्रदर्शन किया गया। आप देखेंगे कड़कड़डूमा में भी इसका प्रदर्शन किया गया कि ये जो एक्ट है दैट इज़ वेरी मच रॉन्ग। ऐसा करना सिर्फ एक वकील के लिए नहीं, इंसानियत के ऊपर भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर पुलिस अपनी गुंडागर्दी पर उतर आएगी, तो अगर वो एडवोकेट के साथ ऐसा अब करेगी इसकी तो जवाबदेही लोग कौन देगा सर? होम देखिए। मिनिस्ट्री इसका हाँ जवाबदेही बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री इसका ये जवाब, दिल्ली पुलिस हाँ के जी, अधीन और है। हाँ सेंट्रल के अंदर आती है, तो उनको ये जवाबदारी ये देनी पड़ेगी कि ऐसा ऑर्डर जिस पे गोली चलाई गई, या ये ऑर्डर ऊपर से आया था, क्या ये उसका सेल्फ एक्ट था? उसमें उसका डिसमिसल बनता है अगर उसका सेल्फ एक्ट है। अगर ये ऑर्डर ऊपर से आया था तो क्या सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कोर्ट के अंदर वकीलों के ऊपर, हु इज इन यूनिफॉर्म, उसने बैंड पहन रखा था, उसके ऊपर गोली चला दी गई? ही इज नॉट अ क्रिमिनल। क्रिमिनल को भी आप वो अरेस्ट कोर्ट के करते हो? अंदर है, हाँ वहां जी कोई हथियार नहीं जाते हैं, जी कुछ नहीं बिल्कुल जाता है, जी ठीक। जी वकील जो है उसके पास सिर्फ पेन और अपनी फाइल होती है, उससे उसने आपको इंसाफ दिलाना होता है। उसके लिए सब लोग बराबर हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग इंसाफ दिलवाना है आपको कोर्ट के अंदर। अगर उनके ऊपर ही इस तरह अटैक होंगे तो आप देखिए कि कहाँ पे हमारा लॉ सिस्टम जो है वो सस्टेन करेगा, और वो भी 4 राउंड एक कोर्ट के अंदर। जरूरी नहीं ये वकील भाई को लगे, निशाना बनाया गया, अगर इसमें किसी पब्लिक को भी लगता और उसकी जान माल का नुकसान होता उसका तो जवाब कौन उसका देता? जवाब कौन देता? वो गोली पुलिस ने चलाई है, वो जवाब पुलिस देगी कि वो गोली किस कंडीशंस में क्यों चलाई गई, किसके ऑर्डर पे चलाई गई, सेल्फ एक्ट में चलाई गई। और हमारी एक ही डिमांड है कि इसके अंदर डिसमिस होना चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो वकील भाई इंजर्ड हैं, सीरियसली इंजर्ड हैं, उनके लिए कंपनसेशन होना चाहिए, और इसके बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि ये यहाँ नहीं रुकी। उसके अंदर पुलिस जो है जेल वैन के गेट से पैरामिलिट्री बुलाई गई, और जेल वैन वाले गेट से कैसे पुलिस वहां पे एंटर हुई, एंटर होते ही उन्होंने वकीलों के ऊपर सीधा लाठी चार्ज करा। उनके चैम्बर चैम्बर में पुलिस वहां पर क्या करने गई थी, दे आर सब्जेक्ट टू, वो वहां आए जेल वैन को वहां पर अपनी लगाएं, और उसके बाद कोर्ट में जितने भी अपराधी हैं उनको पेश कराएं और वहां से उन्हें लेके जाएं। लेकिन वो इतनी तादाद में पुलिस जिन्होंने पूरी छावनी बना लिया 30,000 कोर्ट को, और वहां पर आप लठ बजा रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, चैम्बर्स देखिए आप, चैम्बर्स के अंदर घुस घुस के मारा गया है हमारे वकील भाइयों को, जो कि निहत्ते थे, जो कि निहत्ते थे, अपना काम कर रहे थे, बैठे थे, जा रहे थे, कोर्ट खत्म होने का है, कल छुट्टी है, वीकेंड है, कई लोग वहां से जा रहे थे, अपना बैग लेके जा रहे थे, कई लोग अपनी फाइल संभाल रहे थे, उन्हें सोचने समझने का कोई मौका नहीं दिया गया, उन्हें कोई अलर्ट नहीं किया गया, उन्हें पीटा क्यों गया? उन्हें पीटा गया जी, ऐसा। और सबसे बड़ा सवाल है गोली किसके कहने पर चलाई गई है? वकील कोई क्रिमिनल नहीं होते, वो अपराधी नहीं है, आपने उन पर गोली कैसे चला दी और किसके कहने पर चला, इसका जवाब कौन देगा? दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है, तो उसका जवाब कौन देगा? तो एक बड़ा सवाल है, इस पर क्या अपडेट होगा दिल्ली में और कितनी कोर्टों पर इसका असर पड़ने वाला, क्योंकि कल तो संडे है, उसके बाद क्या कुछ और जगह ये चीज़ें जाएंगी? वकीलों में इतनी एकता देखी जाती है कि वो हड़ताल पर चले जाते हैं, और अगर हड़ताल पर वो चले जाते हैं तो दिल्ली में इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली अगर सेंट्रल पर असर पड़ेगा तो बाकी आसपास के राज्यों पर भी इसका असर हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, अभी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अभी मैसेज सर्कुलेट हुए हैं उसका यही है कि वो एक मीटिंग करेंगे कल, अर्जेंट मीटिंग उन्होंने बुलाई है, और अभी के लिए मंडे से स्ट्राइक है जो दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मंडे से इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जब तक प्रॉपर FIR नहीं रजिस्टर्ड होती, सस्पेंशन नहीं होता जो भी उसके अंदर हैं, और साथ ही हमारे वकील भाइयों से माफ़ी नहीं मांगी जाती जो बेकसूर उसमें इंटर्न हैं, यंगस्टर हैं, जूनियर एडवोकेट्स हैं। मैं वहाँ गया था, जब मुझे पता लगा उसके बाद हम लोग वहाँ गए, वहाँ ये कंडीशन थी कि लोगों ने एडवोकेट्स अपने चैम्बर में गए, उनके चैम्बर के शीशे तक तोड़े गए, उनके सर फुटाए उसके अंदर, हमारी टीम के अंदर जो एक एडवोकेट साहब हैं उनके अंदर उनका सर फोड़ा गया, और वो भी सेंट स्टीफन में ही अभी एडमिट हैं। तो ये लाठीचार्ज
क्यों किया गया और चैम्बर तक जाने की लाठीचार्ज करने की आपको किसने ऑर्डर दिया कि आप अंदर घुसे एक चैम्बर के अंदर, उस चैम्बर को तोड़ा जाए, उसके शीशे तोड़े जाएं और जो वकील वहां बैठा है उसका सर फोड़ा जाए। जी हाँ, देखिए ये बड़ी गुस्से में है और मैं चाहता हूँ आप अपना ट्रीटमेंट सही से लें, आप जल्दी ठीक हों। और उसके बाद एक चीज़ और आप लोगों को, जो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आना चाहते हैं जिनका केस चल रहा है, थोड़ा सा अभी खबर पर ध्यान रखें, अपडेट आएगा तो आप लोगों तक पहुँचा देंगे हम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्ट्राइक होने वाली है मंडे से, क्योंकि अभी सारे वकीलों की कल मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कब तक ये चीज़ें चलेंगी। तो आप बने रहिएगा और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।